गाड़ी को तोड़ने फोड़ने के बाद आज ये स्कूटी में दिखाई दे रहे हैं। मेला खत्म होते ही खाने की ओर नवराज दा मारे नजर लगेगी आप पे, कद्दू जैसे तो आप हो। मोमो चाउमीन के चक्कर में यहाँ महिलाएं लड़ने लग गई है, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ देव मेहता के खूबसूरत से गांव जागदलो डीडीहाट से। तो नाश्ता वगैरह करके और घर का काम निपटा के हम लोग खेतों की ओर आ चुके हैं, मम्मी और मैं। और यहाँ पर हो रही है मड़वे की कुछ बालियाँ, दो दिन से लगातार बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो हम लोग खेतों की ओर नहीं आए थे, घर के ही अंदर थे। और आज थोड़ा सा मौसम खुल रखा है, थोड़ा सा ठीक ठाक हो रखा है, बादल तो आज भी लगे हैं, बारिश तो आज भी बहुत बता रखी है, लेकिन सुबह के टाइम पे ना सही हो रहा है मौसम। तो हम लोग मड़वा निकालने के लिए खेतों की ओर आ गए हैं, तो यहाँ से कुछ मड़वे की बालियाँ देखते हैं। कुछ तो बहुत ज़्यादा हो रखी हैं और कुछ बिल्कुल हरी हैं जो हम अभी नहीं तोड़ेंगे, कुछ टाइम बाद तोड़ेंगे, एक दो हफ्ते बाद ये भी हो जाएगा। फिर खाली हरा तोड़ के बर्बाद होने से अच्छा तो है जो हुआ है उसी को तोड़ते हैं। यहाँ पर के जो दो तीन खेत हैं उन पर हमारा मड़वा ठीक ठाक हो रखा है, और जगह भी हमने मड़वा बो रखा था, लेकिन वहाँ मड़वे की बालियाँ नहीं झड़वे की बालियाँ आ रखी हैं बहुत सारी। तो दो तीन खेतों में उतना खास भी नहीं हो रहा है, लेकिन और खेतों से अच्छा ही हो रहा है। तो थोड़ा बहुत तोड़ दिया है एक दो डोके, और माताजी कर रही हैं घर जाने की तैयारी, क्योंकि गाय है घर पे और उसका दूध निकालना होता है दिन के टाइम पे। तो मड़वे और झड़वे में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, दिखते सेम है लेकिन उनकी बालियाँ जो है ना वो पहचान में आ जाती हैं। तो जब निराई का टाइम होता है, जब गुलाई का टाइम होता है उस टाइम पर, तो पता ही नहीं चलता कि मड़वा क्या है झड़वा क्या है। और जब बालियाँ आती हैं तो मड़वे की बाली अलग ही दिखती है, पहचान में आ जाती है, उसमें दाने लगे होते हैं, और झड़वे की बाली अलग दिखने लग जाती है। तो पहले तो मुझे भी समझ में नहीं आता था, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आने लग गया है। और जो मड़वे की बालियाँ हैं मैं उन्हीं को तोड़ रही हूँ, जो झड़वे की बालियाँ हैं उन्हें साइड कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने उन्हें तोड़ दिया तो वो भी फिर मड़वे के साथ मिक्स हो जाएंगे और अगली बारी फिर वही झड़वा ही होगा खेतों में। वैसे तो सब कुछ गिर ही गया होगा अब खेतों में, क्योंकि झड़वा पहले हो जाता है, मड़वा थोड़ा लेट होता है, तो क्या ही कर सकते हैं, अगली बारी भी ऐसा ही होगा। तो फिलहाल तैयारी करते हैं घर जाने की, क्योंकि बारिश आने लग गई है। खेतों में लगे होंगे, यहाँ से जरूरी थोड़ी है, हैं घर कहाँ जमे पहले इन खेतों में बड़े चोरों को कहाँ पे इधर इतने ही है। तो एक डोका और एक पुला पापा लेके चले गए हैं, और उस साइड का मड़वा हमने सारा टीप लिया है, अभी दूसरी साइड को आ रखे हैं। और यहाँ पे एक दो ककड़ियाँ मिली हैं छोटी छोटी वाली, 5 किलो एक को है रही हो, 5 किलो कुमरी एक को है रही। तो दोस्तों हमारी तैयारी हो रही है नंदा महोत्सव में जाने की। वैसे तो आज मौसम सही था, अब हो रहा है नहीं हो रहा है वो भगवान जाने, अभी वहाँ जाके पता चलेगा। वहाँ की झांकी वगैरह चल रही है शायद मार्केट में, मुझे ऐसा लगता है। तो मौसम तो ठीक है, और हम लोग खेत से आने के बाद घर आए और नहाया धोया, खाना पीना भी खा लिया है, दिन का लंच भी हो गया, और अभी मार्केट की ओर जा रहे हैं शीतल और मैं। तो देखते हैं, अगर बढ़िया चल रहा होगा तो आपके हाथ भी शेयर करेंगे, और नहीं चल रहा होगा तो फिर वो भी देखा जाएगा बाद में।
किरा न्याया पे ही माला कमर सरपंच I'm sorry.
मेला खत्म होते ही खाने की ओर प्रेरित नवरात्र दा मारे आज गीत को बनाए 24 बगड़े तो चावल बन गए मटकल में क्यों घूमचे गयो 24 नहरी चावल और की यार बात नहीं है मैं क्यों आज तुम आप यहां वीडियो नहीं बनाती थी ना मैं आपको नहीं जानती चलो ककड़ी खाने कल आऊंगा ना अभी फोन में बोल दो फिर बाद में मत कहना कल भगवान हम कल बाद में मत कहना आप जन लगाओ नजर नजर लगेगी आप पे कद्दू जैसे तो आप हो नजर लगेगी वाली है शीतला का नजर लगा शीतल की चुपरा नजर वो शीतल है शीतल चाय कॉफी नहीं पीती शीतल कोल्ड ड्रिंक पीती है नवरात्र की पार्टी है दगड़ियों आज हमको ये दीदी आठमा के खेचवा खिला रहे हैं गोपा को याद कर रहे हैं गोपदा के ना आए थे घाट है खेचवा डायलॉग मेरा बोल के दिखाओ चलो फिर मानूंगी आप मेरे फैन हो चलो सरवन कह रही शर्मा जन पे मत कर मैं टेंशन में दाड़ में चली पत खाली चीना खाली हो गए खाना के सहूर नहीं बे मन के सारे आना मत कर अभी सारे मन के जल मैं जल अपने खर्चा हो जल कसू इज्जत कसू दल इज्जत कुल खाना पाए जब देखो बेहा जो दुग भैंसोड़ा है बिरम अभी तो भैंस हो फिर कद्दू जा रहे हो सच में ला रहे हो नहीं आऊंगा कल आऊंगा तुम्हारे घर चिकन लेके आना एक किलो मिठाई एक दर्जन केला चिकन लेके आना सूखा ला बनाएंगे बनाओगे ड्राई गोपू को बुलाना गोपू तो आ ही रहा है चलो मिलते हैं फिर आपको तो तीन बार मिले हैं बाबा चार पाँच छह मिले जब जीत रिसाई थी ऑलवेज में मेरे से वो कितनी बता रही कब रिसाई थी खाली गोपदार उल्लू बना रहे होते तो गाड़ी को तोड़ने फोड़ने के बाद आज ये स्कूटी में दिखाई दे रहे हैं स्कूटी भी अपने शर्ट के कलर के लिए आए हैं मैचिंग तो यार फंडिंग कर दो यार 1.5 लाख रुपया लग रहा है सर मतलब गाड़ी सुधारने में 1.5 लाख मेरे चैनल में जब 1.5 लाख जुड़ेंगे तब होंगे आपके पास 1.5 लाख सब जड़ी 10 रुपए ले जाएंगे बस वो भी जाएंगे दे दिया ला दगड़ियो हेल्प करो हेल्प 50,000 है तुम्हारे 43 है यार अभी कहां होते हैं 50,000 4.5 लाख रुपए इशारे लगाया जी 4.5 लाख रुपए में एक नई गाड़ी आ जा यार दो तीन अपने से पूरा लेना वाइफ है ना फ्यूचर क्यों ना ओ भाई गुड बी वाइफ को पत्ते ना दी का छू वाइफ का बोल रे यार सुनो इन चार किसी को बताना और किसी को बताना मैं पत्ते से कोशिश कर चल बाय चलो बाय कल आना पक्का और ताई जी को भी लाना साथ में मम्मी भाई वहीं पे लेगा खाना उनका बाय गुड मत बोलना बाय ओके कॉल कर देना पहले तो दोस्तों रात के 7 बज रहे हैं और अभी हम घर की ओर जा रहे हैं तो रात को सोचा था कि प्रोग्राम होगा और रात को वहीं रुकेंगे करके और 7 बजे जो हम घर ही पहुंच रहे हैं घर जाके तो हमें हलवा प्रसाद मिलेगा उसके बाद फिर देखेंगे रात को अगर आना हो पाया तो ठीक वरना नहीं हो पाया तो भी ठीक तो प्रोग्राम तो काफ़ी अच्छे रहे और बहुत मज़ा आया बहुत इन्जॉय किया हम सब लोगों ने जो हमारी पहाड़ की संस्कृति है जो हमारी पहचान है जो हमारा पहनावा है वो सब आपको दिखा होगा आज मेरे ब्लॉग के थ्रू तो कैसा लगा और किसका जोड़ा चांदनी आपको सबसे बेस्ट लगा किसका ड्रेस कोड आपको सबसे बेस्ट लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना मुझे तो जो गर्ल्स और बॉयज़ लास्ट के थे ना उनका नाम मैं भूल गई अगर याद आए तो आपको ज़रूर बताऊंगी उनका बहुत बेस्ट लगा यार बढ़िया करके हाथ में पकड़ है हाँ हिमालयन सैफ्रॉन ग्रुप करके उनका वो है ग्रुप है उनका तो बहुत बढ़िया लगा मुझे उनका इतना अच्छा लगा जैसे हाथ में पकड़ के इतने प्यार से कर रहे हुए क्या बताऊँ आपको छोटी छोटी क्लिप शेयर करूँगी मैं उनकी फिलहाल घर की ओर चलते हैं शीतल के घर वाले डांटेंगे मेरे तो खैर क्या ही बोलते हैं कुछ नहीं बोलते हैं तो दगड़ियों रात का खाना पीना खा के फिर से जा रहे हैं रात का प्रोग्राम देखने के लिए अल्लाह जा खाना खा रही है अल्लाह जा घर पूछ गया और दोबारा से जाने की तैयारी हो रही है हमारी तो जितने भी जोड़ा चांचरी है जितने भी खेल लग रहे सब म्यूजिक वाले थे तो मैं सारे गाने नहीं डालूंगी कट कर करके डालूंगी जो मुंह से गाएगा उसका पूरा खेल भी जाएगा लेकिन जो ऐसे गाने लगते हैं ना उसमें फिर कॉपीराइट पड़ता है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो छोटी छोटी क्लिप डालूंगी और देखते हैं रात का क्या प्रोग्राम बनता है बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम होंगे तो ही ब्लॉग में डालूंगी वरना नहीं भी डाल सकती हूँ तो चलते हैं फिलहाल मार्केट की ओर फिर मिलते हैं आपसे I'm not afraid to die.
I'm gonna make you mine.
चक्कर में यहाँ महिलाएं लड़ने लग गई है। थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करो, कंट्रोल करो अपनी चटवा चिपड़ी में।